तो पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे तक पहुंचे। मैं संजय कुमार सिन्हा अरनी एसोसिएशन ऑफ बिहार का अध्यक्ष हूं और पिछले करीब 7 साल से लगातार मैं बिहार के बच्चों को अरनिस के बारे में फ्री शिक्षा देने का काम किया, फ्री प्रशिक्षण दे रहा हूं। डेली शाम के बच्चे 2 से 3 घंटे हमारे कड़ी मेहनत कर प्रशिक्षण कर रहे हैं। अरनिस गेम एक वेस्टर्न कंट्री का गेम है, इंडिया का गेम नहीं है। ये इंडिया में इसे वेस्टर्न कंट्री से लाया गया है और इसे जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को खिलाया गया है और सन 2022 में हमारे को वर्ल्ड चैंपियन खेलने का मौका मिला, जिसमें बिहार से 4 बच्चे चयनित हुए थे, पूरा इंडिया से 11 बच्चे चयनित हुए थे, जिसमें 4 बिहार के थे, 7 जम्मू कश्मीर के थे। तो हम लोग जा करके फिलीपींस सिबू सिटी में हमारे बच्चों ने वहां पर खेल प्रदर्शन किया, जिसमें से हमारे 4 बच्चों ने 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतने का सफल प्रयास किया। अब सवाल ये उठता है, लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि जो आप पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, बच्चे आपके पास कैसे जुड़े और ताकि हम उनको मौका दे पाएं। मैं जिला स्तर पर राज्य के जो खिलाड़ी हैं उनको जिला स्तर पर इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करता हूँ। ये मिक्स मार्शल आर्ट्स है, जो बच्चे ताइक्वांडो, कराटे, फ्लाइंग किक वगैरह खेल रखे हैं उसी से जुड़े हुए ये गेम है। तो उसी के माध्यम से गार्जियन जो भी सेटिस्फाइड होते हैं और उन्होंने अपना खर्च पे अपने बच्चों को खिलाने का प्रयास किए हैं, जो उस गार्जियन को बहुत बहुत मैं आभार हूँ जो अपने बच्चे को अपने खर्चे पर विश्व स्तर पर खिलाए हैं। अगर मार्शल आर्ट्स की बात की जाए तो एक आम पेरेंट्स का ये सोच होता है कि इससे क्या होगा, आने वाले समय में क्या करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, तो अवॉइड करते हैं। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आज से 50 साल पहले भारत में हथियारों की कमी थी, तो ये मार्शल आर्ट्स एक अपना पर्सनली युद्ध के लिए, एक बहुत ही सेल्फ डिफेंस का लिए और अपना भारत को इज्जत बचाने के लिए बिना हथियार का दुश्मनों से लड़कर डंडे का गेम है, और डंडे से मार करके हम दुश्मनों को भगाए हैं, जिसका बहुत बार उदाहरण देखने को मिलेगा। आपको चाइना बॉर्डर पर हथियार चलाना वर्जित है, पर मार्शल आर्ट्स के द्वारा हमेशा चीन को अपने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर में हमने भगाए हैं। उसमें मार्शल आर्ट्स, अरनेस, कराटे, फ्लाइंग किक, ताइक्वांडो की बहुत बड़ी योगदान रहा है। जो आप मार्शल आर्ट्स सिखाते हैं, जो भी गेम है, क्या बिल्कुल फ्री सिखाते हैं? जी, मैं मार्शल आर्ट्स जो प्रशिक्षण देता हूँ बच्चे को अपने तरफ से फ्री प्रशिक्षण देता हूँ। इसमें उनको 1 रुपया का फी पेड करना नहीं होता, लेकिन जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं कहीं भी कोई भी स्तर पर, उन्हें उनके परिवार ने वो खर्च उठाते हैं। अब संजय जी से एक व्यक्तिगत सवाल करते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि आप एक एसोसिएशन आपने बनाया, वहाँ प्रेसिडेंट बन गए और बच्चों को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है? मैं पहले पिछले 30 साल मैं सेना में मैं सेवा दिया हूं, जो कठिन से कठिन हालातों से मैं गुजरा हूं। जेएनके के अंदर मैं 12 साल सेवा दिया, अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी मैंने 3 साल सेवा दिया, तो चाइना कंट्रोल पर, चाइना बॉर्डर के ऊपर भी मैंने अपना सेवा दिया। तो वहां से मैंने सीखा कि बच्चों को मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, उसके जो गुण है वो हमारी आना, मार्शल आर्ट्स का गुण आना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हमारे पास युद्ध के दौरान जब गोलीबारी चलती है तो उस समय हमारे पास राउंड खत्म हो जाते हैं, उस समय हमारे को ये मार्शल आर्ट्स अगर हम सीखे हुए हैं तो इसके द्वारा भी हम दुश्मन को पछाड़ कर अब विजय हासिल करते हैं। आपने वीरा उठाया है कि आप बच्चों को अपने पैर पे खड़ा करना सिखाएंगे और मजबूत भी बनाएंगे। सर, सवाल उठता है कहाँ तक आप सफल हो पाएंगे और सरकार से कितनी सहायता आपको मिल रही है?
मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे लगन से सीखेंगे और सफल भी होंगे। अभी बिहार में लगभग 200 बच्चे गेम के थ्रू नौकरी भी लिए हैं। अभी सरकार की योजना है मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से 2022 में हमारे बच्चों ने 6 मेडल लाए हैं, बिहार सरकार से गुजारिश करूंगा कि उन बच्चों को नौकरी दे करके और उनके भविष्य बनाए और राज्य सरकार खेल स्तर पर अपने भागीदारी को बढ़ाए और नाम कमाए। ये थे संजय कुमार सिन्हा जी, अर्निस्ट एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष। इनका स्पष्ट रूप से कहना था, जैसा इन्होंने बताया कि ये सेना में भी रह चुके हैं और इन्होंने एक तरह से वीरा उठाया है कि सभी बच्चों को हम अपने पैर पे खड़ा करेंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे, इसी को लेके चल निकले पड़े हैं। और इन्होंने सरकार से ये भी मांग किया है कि उन्हें भी कुछ सहायता दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दे करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेलने के लिए भेजा जाए।